अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाइयों। तो फाइनली उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाकर दिखाया था किस तरह से एक लड़की के साथ नेशनल डे के मौके पे ये हरकत किया गया। तो आप लोग इससे सावधान रहे क्योंकि ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे कोई भी हरकत करेगा, कोई भी गलती करेगा, उनकी गिरफ्तारी पक्की है। या वो अजनबी हो या यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ के शहरी हो। तो आज एक नहीं दो दो गिरफ्तारी हुई है ये लड़की के चक्कर में, हरासमेंट के चक्कर में। इससे पहले एक हरासमेंट का केस आया था जिद्दा में, और ये जो मैं वीडियो बनाकर दिखाया था कल, ये ताहिब में हुआ था। तो दो दो गिरफ्तारी हुई। आज मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, और आप लोग भी इससे सावधान रहे। तो एक मसरी को गिरफ्तार किया गया है जो लड़की को हरासमेंट कर रहा था, जिद्दा का मामला है। अगर कोई भी इंसान किसी को हरासमेंट करता है और ये साबित होता है तो उनके ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन और 2 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर ये हरकत किसी बच्चे के साथ या किसी माजूर के साथ किया जाए तो उनका जो सजा है बढ़ जाता है, 5 साल सजा है जेल, और उसके बाद 3 लाख रियाल का फाइन ये लागू होता है उनके ऊपर। तो आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, इस तरह का हरकत ना करें। तो फाइनली हम बात करते हैं, वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ और सऊदी पुलिस तक पहुंचा और उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली गई है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अगर ये हरकत हम लोगों के देश में होता, और अक्सर होता है लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग ये कहकर टाल देते हैं ये बच्चा है, ये इस तरह से होता रहता है, टच किया है, कोई ज्यादा हरकत तो नहीं किया है या कोई गलत काम तो नहीं किया है, सिर्फ टच किया है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को ज्यादा देर तक घूर घूर कर देखेंगे किसी लड़की को, ये भी गलत माना जाता है। आप यहाँ पे रहकर इस तरह का हरकत नहीं कर सकते हैं, किसी का फोटो नहीं ले सकते हैं, तो उसके जिस्म को छूना ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम लोगों के देश में ये आम होता है, सरेआम होता है, बाजार हो या मार्केट हो या रोड हो, लेकिन उससे कुछ नहीं किया जाता। अगर कुछ होता भी है तो गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कहकर छोड़ दिया जाता है। इनका रिलेशन बड़े बड़े नेता के साथ है, बड़े बड़े अफसर के साथ है, इनका रिलेशन बड़े बड़े इंस्पेक्टर के साथ है, तो ये कहकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है, या बड़े घर के लोग हो या छोटे घर के लोग हो, या अजनबी हो या यहाँ के शहरी हो। तो आप लोग इससे सीख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बख्शाइश नहीं है। अगर आप पकड़े जाएंगे ऐसे हरकत करते हुए तो आपकी गिरफ्तारी पक्की है।